नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार हाँ जी। जी सर, अपनी बात मैं रखिए। हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए कुछ मैं एक तो मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहा था, और मार्केटिंग कैसे कि जैसे कंपनी तो कहती है कि भाई आपका अगर कोई नहीं है आपके डाउनलाइन में तो भी आपका मतलब मार्केटिंग होगा करके, तो उसके अलावा क्या है सर कि जैसे ये भी सुना है मैंने, अब सही है झूठे पता नहीं, कि जिन लोगों के डाउन मतलब डाउनलाइन नहीं कहेंगे, जो लोग ज्यादा लोगों के प्रेशर है तो उन लोगों को कमीशन अच्छा आने वाला है स्टार्ट में, तो ये जो है थोड़ी चिंतादायक बात है सर ये, क्योंकि मार्केटिंग के लिए तो कंपनी ने खुद ने डाला है ये मतलब ये, अब ये मेरे पास जो मैसेज आया है उसमें लिखा हुआ है कि मैं बोलता हूँ सर, वी आर शेपिंग अप नॉट एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नॉट एज मल्टी लेवल मार्केटिंग और अ टूल और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वी आर शिपिंग अप एज वन ऑफ द मेन जायंट्स, अ टोटल बिजनेस सॉल्यूशन एज सो फार, ऐसा मैसेज आया सर मेरे पास एस सर के नाम से, उसको हिंदी में मैं रूपांतरित करता हूँ, न हम बहुस्तरीय मार्केटिंग न एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में आकार ले रहे हैं, यह एक उपकरण या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के रूप में हमें जाना जाए, जो कि हम मुख्य दिग्गजों में से एक के रूप में आकार ले रहे हैं, संपूर्ण व्यापार समाधान है। तो मैं जो बोल रहा हूँ सर, बात समझ में आ रही है सर? यस, अगर आपका गाइड चाहे जो तो मैं क्वेश्चन उसका है रिप्लाई बहुत ही कर सकता। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपकी क्वेश्चन को मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये बहुत सारे फाउंडर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स मतलब एक सिंगल फाउंडिंग पोजीशन लेकर बैठा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ये पैसिव इनकम, पैसिव रेवेन्यू देने के लिए ही ये सारे जो सिस्टम है ये बना रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मतलब क्वेश्चन है, ये असल में एमएलएम नहीं है, ये कोई स्टॉक मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई स्टॉक बिजनेस नहीं है। तो असल में है क्या? ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, एंड ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो मतलब एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजी को मतलब करके बना रहा है। तो अभी बात यह है कि अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, तो ये जो बोला जा रहा है कि जिन सारे फाउंडर्स का बहुत ज्यादा मतलब टीम मतलब कुछ कुछ फाउंडर्स को बहुत ज्यादा कमीशन आने वाला है, तो वो कमीशन मतलब क्यों आने वाला है? सिंपली मैं आपको बताऊं कि ऑन पैसिव का जो ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये है कैट। कैट में मतलब कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन, हाँ जी सर, ऑटोमेशन यानी ऑटोमेशन ऑटो पायलट मोड पर, टारगेटेड ट्रैफिक और मनी फॉर ऑल, सभी को हम यहाँ से पैसा देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सभी को पैसा देना होगा, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा मतलब जरिया बनाना होगा जिसके जरिए हम इस पैसे को बांट सके, दे सके। तो हम अगर ऐसे करेंगे कि जो फाउंडर है सिर्फ हमें उन्हीं को देना है पैसा, तो ये मनी फॉर ऑल नहीं हुआ। जो कस्टमर है उन्हीं को देना है पैसा, तो किस किसके माध्यम से देंगे? हमें अगर देना होगा, हमारे सिस्टम के माध्यम से देना होगा। इसीलिए तो हम एक ऐसी मतलब इकोसिस्टम बनाए, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आज सर ने इसी लास्ट जो अपडेट सेशन था यहाँ पर बताया था कि ऑन पैसिव से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनिए, ऑन पैसिव से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस चीज का मुझे जरूरत नहीं है। ओके, मुझे जरूरत नहीं है उस चीज का, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा है। तो हम अगर बातें करते हैं टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन का, तो हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने वाले हैं। अभी बात यह है कि ये जो सिस्टम बनाए, इसके अंदर आपको फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, आपका वॉलेट, आपका एडुकेशन से लेकर बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर तक सारा कुछ यहाँ पर सेटअप किया गया है। अभी बात यह है यहाँ पर कि हम जो सभी को मनी फॉर ऑल, जो कैटमो का लास्ट मतलब एमओ का, एमओ स्पेलिंग का जो मतलब हाँ जी सर, मीनिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो वॉलेट वहां पर बन रहा है, या फिर आप जो प्रोडक्ट वहां पर देख पा रहे हैं, जो आने वाले दिन ओ कनेक्ट फर्स्ट आने वाला है। जैसे मान लीजिए सिंपली मैं जूम की बात करता हूँ, जूम को अभी तक मैंने बहुत दिनों से इसको सब्सक्रिप्शन दिया है, और किसी ने दिया है, और किसी ने दिया है, लाखों करोड़ों लोग आज जूम को सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। क्या आज तक किसी भी यूजर को, किसी भी कस्टमर को, आज तक जिन्होंने 20K कैपेसिटी को भी बाय किया है, लाखों रुपया,
लाखों रुपया देकर जिन्होंने जूम को बाय किया है उनको भी आज तक एक बार के लिए कोई भी रेफरल लिंक मिला है? कोई नहीं व्यक्ति बता पाएगा? नो. क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कुछ अलग सा है, उसका ढंग कुछ अलग सा है. बहुत सारे कंपनी है जो रेफरल लिंक बनाता है, लेकिन जूम या फिर अदर्स बहुत सारे कंपनीज है, इनका रेफरल स्ट्रक्चर अलग है. इनका जो मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो है कंपनी टू यूजर. ओके. लेकिन हम जो यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ये कुछ अलग ढंग सा है. यहाँ पर कंपनी में कोई डायरेक्टली नहीं जा सकता, यहाँ पर कंपनी कंपनी तक जाने के लिए, कंपनी मतलब प्रोडक्ट सॉल्यूशन. अभी कंपनी को जाने के लिए या फिर कंपनी के जो मतलब सॉल्यूशन है वो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. और रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पर करेंगे? हो सकता है वो इकोसिस्टम पर. इकोसिस्टम पर आप जब भी करेंगे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई एक फाउंडर के नीचे आप हो जाते हैं, कोई एक फाउंडर के कम्युनिटी में आप हो जाते हैं, और आप उसके नीचे एक कस्टमर बन जाते हैं. तो ये जो सिलसिला है कि आप डायरेक्टली कंपनी पर नहीं जा सकते, आप यहाँ पर सर्च कीजिए अभी जूम. जूम सर्च करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बस टकाटक हो गया. और अभी आपको अगर बाय करना है प्लान 100 का 200 500 1000 20000 बाय करना है, बाय कर लीजिए. डायरेक्टली वो पैसा कहाँ पर जाता है? कंपनी को. कोई आता थर्ड पार्टी को नहीं जाता है. लेकिन ऑन पैसिव का जो सिस्टम होगा ये कुछ अलग ढंग सा होगा. ये आपको पहले आपको मिलने वाला है. आपके नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, कोई अगर ओ कनेक्ट के पैकेज बाय करता है तो पहले आपको कमीशन जाने वाला है. हो सकता है वो कितना भी परसेंटेज हो, ये आने वाले दिन आपको पता चलेगा. तो ये परसेंटेज पहले आपको मिलने वाला है और कंपनी को मिलने वाला है, तभी ये सारा कुछ हो जाएगा क्योंकि आप फाउंडर हो. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये कुछ अलग ढंग सा है. अभी बात करते हैं कि जो कुछ कुछ फाउंडर है जिनको बहुत सारे कमीशन पहले दिन में ही मिलने वाला है. क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ofounders.net जब अकेला एक वेबसाइट था उस टाइम हमारा एक रेफरल लिंक वहां पर था. आप अगर किसी को रेफरल लिंक नहीं देंगे, जूम अगर आप मतलब इंटरनेट पर सर्च नहीं करेंगे तो आप जूम के यूजर कैसे बनेंगे? आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ऐसे ही हमने मतलब जिन सारे फाउंडर्स 1.4 मिलियन 14 लाख फाउंडर अभी अवेलेबल है ऑन पैसिव पर, ये सारे फाउंडर्स ने कंपनी को पहले से विश्वास किया था. और ये पहले तो फाउंडिंग मेंबर है, उसके बाद कस्टमर भी है, बेटा टेस्टर भी है. तो हम जो अभी कस्टमर है तो क्या करना पड़ेगा? आप मान लीजिए मेरे कम्युनिटी में अभी 10 फाउंडर है डायरेक्ट. मैं बताता हूं डायरेक्ट का 10 फाउंडर है. अभी डायरेक्ट का जो 10 फाउंडर है, मैं इकोसिस्टम पर भी मेरे कम्युनिटी में मेरे यूजर माय यूजर में मैं 10 फाउंडर को देख सकता हूँ, 10 यूजर को देख सकता हूँ इकोसिस्टम पर. ये सारे फाउंडर जब भी मैं इकोसिस्टम पर ओकनेट का पैकेज बाय करता हूँ तब भी ये सारे लोगों तो बाय करेंगे ना, ये सारे लोग बाय करेंगे तो ये तो मेरे रेफरल से है. इन्होंने इकोसिस्टम आने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इकोसिस्टम आने से पहले. और पहले करने के लिए इनको क्या लेवल दिया गया था? फाउंडर. उसके बाद इन्होंने माइग्रेशन किया, अपना डाटा माइग्रेशन किया ofounders.net से इकोसिस्टम पर. जब इकोसिस्टम पर डाटा माइग्रेशन हो गया तो ये एक तरफ से फाउंडर, एक तरफ से कस्टमर भी बन गया. अभी कस्टमर तो मेरे रेफरल से बना है ना, तो अभी ये तो मेरे नीचे है. तो अभी क्या होगा, जब मैं पैकेज बाय करूंगा और ये लोग भी 10 लोग बाय करेंगे तो इसका तो कमीशन मुझे मिलने वाला है. मेरे खुद का जो एफर्ट रहा है इसके पहले, वो तो मेरा खुद का एफर्ट है ना, तो उसका तो जो कमीशन है वो मुझे मिलना चाहिए. अभी जैसे इकोसिस्टम पर लिंक आने वाला है, आपका लिंक, मेरा लिंक, सभी का, जो कस्टमर होगा जो पैकेजेस बाय करने वाला है उनका भी लिंक बनेगा. तो जब लिंक बनने वाला है, आप जब भी किसी को, मान लीजिए मैं फाउंडर नहीं हूँ, आप मुझे लिंक भेजते हैं और मैं आपके नीचे कस्टमर बन जाता हूँ, यूजर बन जाता हूँ. उसके बाद आप जब भी मतलब वो कनेक्ट का पैकेज बाय करते हैं, मैंने भी बाय किया. बाय करने के बाद ये जो मेरा जो यहाँ पर पैकेजेस का अमाउंट है, इसका कमीशन किसको जाने वाला है आप बताइए? ये कमीशन तो हम लोगों को आने वाला है ना सर, जो शेयर है हमारा आपको आने वाला. रजिस्ट्रेशन किया है तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके नीचे जाने वाला है तो आपको क्यों यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा? क्योंकि एफर्ट से ये बनाए कस्टमर, आपके एफर्ट से. मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी आपको ट्रैफिक देने वाला है, वो कब देगा कैसे देगा वो कंपनी का प्रोसेस है. मैं आपको खुद के एफर्ट से जो कर रहे हैं आप उसको बता रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं यहाँ पर उसका जो कमीशन है वो तो आपको मिलने वाला है. तो मैंने पहले किया था, मैंने हार्डवर्क मेहनत किया था, पहले लोगों को मैंने बताया था या फिर फाउंडर बनाया था, उसके बाद कस्टमर भी, वो लोग इकोसिस्टम पर भी आ गए और मतलब कस्टमर भी बन गए. तो उनका जो मतलब कमीशन है वो तो मुझे मिलने वाला है ना. तो जिन सारे लोगों का मतलब बहुत सारे डायरेक्ट का मतलब रेफर है तो उनको तो उतना ही मिलने वाला है. यही ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को. दूसरा ये है सर कि जो है मैं या मेरे नीचे जितने भी लोग है और जो डायरेक्ट है और उनके नीचे भी कुछ है, तो ये ऐसे सब जो है ना सर कि अभी यही है एक चिंता की बात कि जैसे
मतलब इनको जो भी मतलब आएगा, जो भी एप्स आएगी, तो उसमें क्या है सर कि फिर से वही बात आती है कि मतलब जो अभी ये जैसे फिजिकल प्रोडक्ट रहेंगे या जैसे अभी आने वाले, आपने जैसे अभी बताया कि कुछ मतलब अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिवाइसेस आने वाली है और कुछ दूसरे और भी कुछ प्रोडक्ट आने वाले और आगे भी बहुत प्रोडक्ट आएंगे, तो ये एक तरह से मतलब ये अगर सेल नहीं करते तो क्या होगा सर? मेरे पास जितने भी है ना सर, तो हम या मैं खुद भी हूँ, तो समझ लीजिए कि हम लोगों को नॉलेज बहुत कम है सर इस फील्ड में, और वी डोंट हैव कॉन्टेक्ट विद पर्संस सो मेनी फेलोज दैट वी कैन डू दिस थिंग फ्रैंकली स्पीकिंग. आपको आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके लिए यहाँ पर पूरा कंपनी पड़ा हुआ है. आपका जो दुबई का मेट्रो स्टेशन से लेकर दुबई बुर्ज खलीफा पर जो मतलब लेजर शो हो रहा है, दुबई मॉल पर जो मतलब सारा एडवर्टाइजमेंट अभी चल रहा है, ये सारा कुछ फाउंडर्स के लिए हो रहा है इनिशियल फेज पर. मतलब कंपनी जब भी ये सारा मतलब चीजें मतलब ओपन कर देगी, या फिर मतलब जब भी हम पहले फेज पर होंगे ये मतलब शुरू करने के बाद पैकेजेस पे आउट पे इन, तो ये जो इनिशियल फेज है, ये इस फेज को इनिशियल फेज मतलब फर्स्ट फेज पहला फेज, इसमें जो मतलब सारा ट्रैफिक होगा ये फाउंडर्स के लिए. और आप सभी को पता है आप अभी onpassive.com का जो मतलब ट्रैफिक का रेशियो है ना, आप बहुत सारे वेबसाइट से देख सकते हैं कितना ज्यादा आना शुरू हो गया, बिलियन तक यहाँ पर आना शुरू हो गया. तो आपको मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कंपनी हमारे लिए ही काम कर रहा है, फाउंडर्स के लिए काम कर रही है. और ऐसा ने ये भी बताया कि हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लास्ट अपडेट सेशन पर भी बताया कि हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसको फिर से अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी प्रोडक्ट के साथ, हम अभी मतलब जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा, परिस्थिति चल रहा, इसके साथ हम फिर से अपग्रेड करेंगे. और ये अपग्रेडेशन जो है वो अप्रैल में ही शुरू होने वाला है, अप्रैल में जरूरत है. तो ये जो इनिशियल फेज का मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, ये सारा कुछ मतलब फाउंडर्स के लिए. नेक्स्ट जो कैंपेनिंग होगा, जब भी कस्टमर पैकेजेस बाय करना शुरू करेगा, तब ये सारा जो मतलब ट्रैफिक है वो कस्टमर के लिए भी होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया सभी को कि टारगेटेड ट्रैफिक सभी को मिलने वाला है और मनी फॉर ऑल, सभी को हमें रेवेन्यू भी देने वाला देना है, एप्पल भी देना है, तो सभी को हमें देना होगा. जी ठीक है सर, मैं अब ये कह रहा हूँ सर कि देखिए, एक तो मैंने आपको शायद व्हाट्सएप किया है, एआई का जो आया था वो सही है झूठे पता नहीं, एआई में ऑन पैसिव के बारे में क्वेश्चन किया गया था, तो उसमें जो दिया है सटीक जवाब वो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे. और उसके बाद में क्या आप, और दूसरा ये बोलना था सर, ये मेरे किसी से आया था सर, और दूसरा क्या है सर कि जो अब ये जो कुछ दूसरे जो फाउंडर्स है, दूसरे भी वेबिनार सुनता हूं, तो उनका क्या कहना है कि ये बढ़ जाएगा, टारगेटेड ट्रैफिक में भी आएगा तो बढ़ बढ़ के आएगा. तो क्या समझे सर हम कि हमको मतलब जैसे और एक 8-10 साल या 5-7 साल या 4-5 साल लगेंगे सर, या 3-4 साल मतलब एक अच्छी पोजीशन बनाने में, या फिर क्या बता रहे हैं, 4-5 साल आपके किसके लिए लगेगा मतलब पोजीशन बनने में सर? देखिए जो जैसे अभी, हाँ जैसे 2020 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये बात तो ये अच्छी बहुत बहुत फक्र की बात है मेरे लिए कि मैं ऑन पैसिव से जुड़ा हुआ हूँ. और लेकिन अब आगे जो चाहिए, जिसलिए भी मैं जो समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे सर कि जो कुछ दूसरे वजह से जुड़े होंगे, मेरे जैसे तो लोग जो है सर वो एप्पल के लिए ही जुड़े हुए सर, विद द गिविंग सर्विस एज अ ह्यूमैनिटी टू अदर फेलोस, और मेन पीछे पर्पज है सर एप्पल्स का. तो अब ये इसको आपके हिसाब से सर, ये आप जैसा आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो आपका कहना ये है कि भाई जितने ज्यादा होगा आगे तो उतना जल्दी मिलेगा, ये कहना है ना आपका? जरूर, क्योंकि मतलब ये एक मतलब इसको बॉटम लाइन भी बोल सकते हैं, इसका एक प्रोसेस भी है. ऐसा नहीं है कि आप मतलब कंपनी का क्या प्रोसेस है अभी किसी के साथ ये शेयर नहीं किया गया अभी तक, कितना ट्रैफिक कंपनी के पास आया, कितना ऑर्गेनिक, कितना मतलब ट्रैफिक मतलब हमारे पेड प्रोडक्ट मतलब पेड प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ मतलब अभी तक क्लियर कंपनी ने नहीं किया है. जो मतलब हो सकता है ये कंपनी आगे चलकर इसको मतलब क्लियर करे या फिर हमें बताए. और मतलब नेक्स्ट बात यह है कि जो आपका आपने बताया कि ये क्या 4-5 साल या 8 साल में आपका होने वाला है, तो इसका कोई टाइम भी बाउंडेशन नहीं है, टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, ये कुछ भी टाइम हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हो सकता है 1 साल में. लेकिन मतलब एज सर ने यह बताया था कि आपके जो ड्रीम्स है इसको अपग्रेड कीजिए, क्योंकि आपका हमारा ड्रीम्स जो है वो हो सकता है छोटा है, आपका बड़ा हो सकता है, आपका हो सकता है वो $1 billion का ड्रीम है, लेकिन मेरा हो सकता है ऐसा कुछ नहीं सर, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ सर. ओके, तो साधारण इंसान हूँ. बात ये है अभी कि मतलब ड्रीम्स को अपग्रेड करना है, और मतलब ऐसा ने जब ड्रीम्स अपग्रेड करने के लिए बोला है तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर मीनिंग है, इसको समझना है. देखिए सर, ड्रीम्स अपग्रेड, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, ड्रीम्स अपग्रेड करने का मतलब मेरे लिए ये है, जो शायद मैं समझता हूँ ऐसा सर के लिए भी यही होगा, कि इंसान सुकून से उसका हर काम कर सके.
बस यही हो सकता है, उसमें कोई भी एप्पल्स वाली बात इतनी ज्यादा नहीं आती। एप्पल्स लगती है वो सुकून से काम करने के लिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं जैसे आप बता रहे हो बिलियन वगैरह, वैसा कुछ नहीं है सर। वो सब आप लोगों की मेहरबानी से है सर। बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनका जो प्रोजेक्ट अभी तक बना है या फिर जो ड्रीम्स देखे हैं या फिर ह्यूमैनिटी को कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बनाने का मतलब सोचा है, उनका ड्रीम्स बिलियन डॉलर तक अपग्रेड हो चुका है ऑलरेडी। मेरे पास ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डेटा है जो मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बना है, और जरूर मनी जो है ये इंडिविजुअली सबको आने वाला है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐसा होगा लेकिन सबको आने वाला है। हम किसी को देखकर जेलस फील नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे कि उसको ज्यादा क्यों आया, मुझे क्यों कम आया, या फिर मतलब नहीं, मैं नहीं, तो वो बात बहुत नहीं है सारे सर, वो एप्पल का मालिक बन गया, उसको क्यों कम आया। तो ऐसा अगर मतलब हमारे माइंडसेट होता है तो हम ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है तो हमें नीचे की तरफ देखना है कि मुझसे भी किसका कम आया है। इसलिए सुखी रहने के लिए मतलब अच्छा हैप्पी रहने के लिए क्या मोटिवेशन दिया जाता है कि आप ऊपर के लेवल के लोगों को मत देखो, आप नीचे के लेवल को देखो कि नीचे के आपके नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, उनको देखो, तभी आप शुक्रगुजार होंगे और ऊपर वालों से बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन आप जब अगर जब आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, नर्वस फील होगा कि मैं तो मतलब कुछ नहीं हूँ, वो तो बहुत ज्यादा मतलब अमीर है या फिर बहुत ज्यादा ऐसा है। तो मतलब हमें अभी बहुत ज्यादा मतलब सीरियस होना है और सतर्क रहना है कि मतलब जो कुछ भी ये फेज में होने वाला है, ये सेकंड रिलीज का फेज शुरू होने वाला है हमारा, मतलब ओ कनेक्ट और जो प्रोडक्ट अभी फ्री वर्जन में ओ मेल ओ ट्रिम ओ नेट आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट रिलीज का प्रोडक्ट है। अभी सेकंड रिलीज का प्रोडक्ट जो ओ ट्रैकर से लेकर और भी कुछ प्रोडक्ट है जो सेकंड रिलीज पर आने वाला है, सेकंड रिलीज होगा, ऐसे थर्ड रिलीज, ऐसे हम रिलीज टू रिलीज मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा सोल्यूशन इसको हम रोल आउट करेंगे। और मतलब यहाँ पर एडिशन भी एड होगा, जैसे आसन ने बताया ओ कनेक्ट का ये मतलब तीन एडिशन एक बार में दिया जा रहा है, इसके बाद एआई फीचर के एडिशन ऐड होगा। तो ऐसे करके ये सारी चीजों को हमें समझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपने जैसे बताया एप्पल, तो एप्पल सबका इंडिविजुअली एप्पल सभी चाहते हैं, एप्पल अगर यहाँ पर नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ पर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एप्पल से भी ज्यादा कुछ दिया जा रहा है, ह्यूमैनिटी को यहाँ पर अपलिफ्ट करने के लिए सोचा जा रहा है। यहाँ पर कौन मतलब ऐसा सोचता है कि मनी फॉर ऑल, हम तो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स को दे सकते थे, लेकिन हर एक फाउंड हर एक इंटरनेट यूजर हर एक हमारे इकोसिस्टम यूजर को हम अगर मतलब एप्पल देने की बात करें तो ये कितना ज्यादा मतलब हमारे लिए मतलब आपको पता है कि महत्वपूर्ण है, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि हम सबको ऐसा मतलब एक सिस्टम देने वाले, तो इसको समझना है हमें और ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जाहिद सर का और गयासुद्दीन सर और सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।